नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो, इसके लिए शुक्रवार को अग्रवाल उत्सव भवन में 100 ऑक्सीजन बेड का कोविड केयर सेंटर का जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते, डेयरी चेयरमैन व विधायक रामलाल जाट और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने उद्घाटन किया। इससे पूर्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में मैंने 100 बेड, 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, जवाहर फाउंडेशन द्वारा ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य, भारतीय पेट्रोलियम के ध्यानचंद ने 100 बेड में 9.5 लाख रुपए दिए और सिंथेटिक स्विविंग मिल्स एसोसिएशन द्वारा 16 ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर मशीन सहित 22 लाख का सामान दिया है। इसके साथ ही कई अन्य भामाशाहों ने भी इसमें सहयोग किया है और ये कोविड सेंटर राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते ने कहा कि यहाँ पर हाई फ्लो ऑक्सीजन की पाइपलाइन डाली गई है और यदि किसी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी लगाई गई है। यहां पर भर्ती मरीजों को सभी दवाओं के साथ ही खाना भी राज्य सरकार निशुल्क देगी। हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा है, साथ ही कंसंट्रेटर्स भी लगे हुए हैं। यदि बिजली चली जाती है या किसी कारणवश पाइप नहीं चलता है तो कंसंट्रेटर भी है, साथ में रेमडेसिविर से लेके जितनी भी आवश्यक दवाइयाँ हैं वो निशुल्क रहेगी और साथ में जो खाना पीना है मरीजों को वो भी यहाँ पे निशुल्क प्रशासन सरकार द्वारा दिया जाएगा। सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आह्वान पर जिला कलेक्टर साहब ने अग्रवाल समाज के लोग, मेवाड़ चैम्बर, जवाहर फाउंडेशन और भी जो सहयोग करने वाले NGO संस्थाएँ हैं, यहाँ के भामाशाहों ने मिलकर और प्रशासन ने सहयोग किया जिससे 100 बेड का आपातकालीन एक हॉस्पिटल के साथ में सारी सुविधाएं युक्त, जिसमें ICU भी हैं, रेजिडेंशियल रहने की सुविधाएं भी हैं, ऑक्सीजन का पाइपलाइन फिटिंग करके इतनी शानदार व्यवस्था की है कि सहित राजस्थान में बड़ी मुश्किल से कहीं प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होगी, उससे बेटर व्यवस्था आज भीलवाड़ा के प्रशासन ने यहाँ मिलकर की है। यहाँ जिले के तमाम लोग, राजनीति से ऊपर उठकर वो सभी लोग इस कोविड जो महामारी है और इसके साथ दूसरी महामारी जो ब्लैक फंगस की जो आई है, उन सब से निपटने का काम सरकार ने जो बंदोबस्त NGO और भामाशाहों के सहयोग से मिलकर किया है, तो इस पुण्यतिथि पे और संदेश से तमाम लोग एक होकर गाँव में जो छुपे हुए हैं या संकोचवश जो बता नहीं पा रहे हैं वो लोग निकल कर आएंगे और उनको इलाज मुहैया होगा। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, है कोविड लेकिन फर्स्ट में मालूम पड़ने पे बड़ी नहीं है। अगर फर्स्ट में पता नहीं चलता है 4-5 दिन निकलने के बाद बहुत खतरनाक बीमारी है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जिन जिन भामाशाहों ने और मेरे द्वारा 100 बेड और 50 ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए, 50 उकार जिम वाले ने पहले दिए, ज्ञानचंद जी जो है हमारे भारतीय पेट्रोलियम के, उन्होंने 100 बेड और लगभग 9.5 लाख रुपए का उन्होंने दिया, ये विविंग मेल वालों ने 500 लगभग 22 लाख रुपए के सिलेंडर दिए और इन सब लोगों ने, रिजु झुंझुनवाला ने यहाँ पाइपलाइन लगाई। इन सब कोविड वार्ड का आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे आज इसका उद्घाटन किया गया है और इन सब भामाशाहों और ख़ास तौर से पिछली बार जब कोविड हुआ था तो गोपाल जी ने इस अग्रवाल धर्मशाला में 21 लाख रुपये लगा के जो ये वार्ड समाज को समर्पित किया, आज वो हमारे काम आ रहा है, इसके लिए इनको बधाई। मैं ज्ञान जी चोलड़िया जी को बधाई, मैं संजय जी पेड़ीवाल को बधाई और मेरे सभी साथी जिन्होंने इसमें सहयोग किया, चाहे वो बेरोलाल जी माली हो और सभी लोग, और ये कोविड सेंटर अब राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा और इसमें जब कभी भी जिस भी चीज़ की आवश्यकता रही जिला कांग्रेस कमेटी इसको गोद की तरह मानेगी और जो भी सामान चाहिए जिला दीश महोदय को हम अर्पित कराएंगे। और आज मैं प्रशासन को और CMHO साहब को, PMO साहब को बधाई देना चाहता हूं कि राजीव गांधी की इस पुण्यतिथि पे आज ये कोविड सेंटर चालू हुआ जिससे जनता को लाभ मिलेगा। भीलवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति संचालित 4 दुकानों को नगर परिषद की टीम ने सीज कर दिया। नगर परिषद सहायक अभियंता मनीष कुमार सांगेला के नेतृत्व में इस कार्रवाई में सांगानेरी गेट स्थित आशा मोबाइल शॉप, श्रीदेवी किराना स्टोर, राज पाइप एंड सैनिटरी स्टोर, पद्मावती इलेक्ट्रिक की दुकानों को सीज कर लिया गया। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता रोहित चौबीसा, कनिष्ठ अभियंता ऋषिकेश मीणा और सुरेश गर्ग सहित जाप्ता मौजूद रहा। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि नगर परिषद टीम कर्फ्यू को लेकर निरीक्षण कर रही थी, इसी दौरान सांगनेरी गेट पर 4 दुकानें बिना पास के खुली हुई मिली जिसके कारण इन दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दी गई।
वो जितने भी चार हुआ सीज किया, हमने सुबह हमारी नगर परिषद की टीम ने भ्रमण किया, जो पास डोर टू डोर के लिए पास दे हुए थे उनमें से किस चार दुकान जो सीज की संगा नहीं थी गेट के पास, उसमें से किसी के भी पास पास नहीं था। पास नहीं होने के कारण उन दुकानों को सीज किया गया। चार दुकान सीज की गई है उसमें, जिसमें जो चारों दुकान थी चारों के पास पास नहीं था। एक श्री देवी किराना स्टोर है, दूसरी राज सैनिटरी एंड पाइप स्टोर है, तीसरी आशा मोबाइल केयर है, चौथी पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक है। इन चारों को सीज कर दिया गया। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये सीज रहेगी। हाँ, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जितने भी दिए थे ये चार बिना पास वाले थे, जिनके पास पास है वो तो कंटिन्यू डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं। ये बिना पास वाले थे जिनको आज हमने सीज कर दिया। कोरोना महामारी को देखते हुए भीलवाड़ा के सभी बड़े अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अरियंत हॉस्पिटल, बांगड़ हॉस्पिटल एवं पोरवाल हॉस्पिटल में कोविड के उपचार के लिए बाहर से आए मरीज एवं उनके परिजनों के लिए समाज सेवी द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बाहर से आए मरीजों के परिजन होटल एवं ढाबे बंद होने की वजह से भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। इसे देखते हुए प्रतिदिन 500 से अधिक पैकेट हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के परिजनों को बांटे जाते हैं ताकि कोई भूखा न सोए। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुर के राजेश पलोड़, मनोज शर्मा गोटेवाला, सुमन डार, कालू राका, लंकेश राणा, दिनेश खाबी अपना योगदान दे रहे हैं। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ घट बढ़ रहा है। शुक्रवार को कोरोना संक्रमितों के ग्राफ में फिर कमी देखी गई। शुक्रवार को 815 लोगों की जांच में 101 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में अब तक 31,026 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 28,049 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली। जिले में अब तक 735 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि शुक्रवार को 101 कोरोना संक्रमित में आसीन से 4, बनेड़ा से 2, बापूनगर 7, चपरासी कॉलोनी से 3, चंद्रशेखर आजाद नगर से 10, कुलापुरा 2, जहाजपुर से 4, काशीपुरी से 3, कोटड़ी से 4, मांडल से 9, मानलगढ़ से 13, पुर से 1, रायपुर से 1, सांगनेरी गेट से 2, सहाड़ा से 7, सांगनेर से 2, शाहपुरा से 4, शास्त्री नगर से 7, सुभाष नगर से 10, सुमाणा से 6 कोरोना संक्रमित रोगी सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहनते और जो लोग मास्क पहनते हैं उनमें से लगभग 64% लोग ऐसे हैं जो मास्क पहनकर सिर्फ अपना मुंह ढकते हैं लेकिन नाक को नहीं ढकते। 20% इसे टूडी पर रखते हैं तो 2% इसे गले में डालकर रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे में 25 शहरों में 2000 लोगों पर किए गए अध्ययन से ये बात सामने आई है। मास्क लगाने की जागरूकता को लेकर लोकवाणी पर देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे कारगर अगर उपाय है मास्क है, और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की एक सर्वे में सामने आया कि 64% लोग जो मास्क लगाते हैं या तो नाक के नीचे लगाते हैं या प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाते हैं, इससे संक्रमण का खतरा बराबर बढ़ा रहता है। अभी हम भीलवाड़ा के जो जागरूक नागरिक इनसे जानना चाहते हैं कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है और ये आमजन को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी सर, वर्तमान में जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, इससे बचाव का सबसे बड़ा साधन मास्क है। मास्क को लेकर, लगाने को लेकर, इसकी क्वालिटी को लेकर, इसके तरीकों को लेकर कोरोना गाइडलाइन में चाहे प्रशासन ने हो, चाहे सरकार ने हो, चाहे किसी भी एनजीओ ने हो, हर तरह से बताया है कि आपको मास्क लगाना आवश्यक है और मास्क किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग मास्क को सही तरीके से नहीं लगाकर, पूरे समय नहीं लगाकर, सही क्वालिटी का नहीं लगाकर, वो देख रहे हैं कि हम प्रशासन से बच रहे हैं, सरकार से बच रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि ये कोरोना आपको फैल गया, यदि कोरोना आपके लग गया, तो निश्चित तौर पर आप अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, सबके साथ में धोखा कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और किसी के लिए नहीं हो सकता। आप अपने लिए बोल रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि आप मास्क लगाएं, पूरी तरह से लगाएं, नाक पूरी दबी रहनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पूरे समय लगाना चाहिए, घर से फाटक से बाहर निकलते ही मास्क होनी चाहिए। वर्तमान में जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें तो अब घरों के अंदर भी लगाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि हवा में फैल रहा है, क्योंकि दूसरी लहर तो चली रही है, लेकिन ब्लैक फंगस भी आ गया है, अभी एक पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मास्क ज़रूर लगाएं, मेरी आप सभी से प्रार्थना है। आप मास्क नहीं लगाएंगे तो ये किसी सरकार के साथ नहीं है, आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं।
बिल्कुल, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि सामने आया कि अब कोरोना का जो वायरस है, नया जो म्यूटेंट है, ये हवा में भी फैल रहा है, तो इसलिए घर में भी मास्क लगाने की एक जरूरत समझी जा रही है। मास्क लगाने के लिए बहुत सारे केवल प्रशासन से डर के मास्क लगाते हैं, क्या मानते हैं आप? मेरा सबसे निवेदन है कि प्रशासन से डर के नहीं, स्वयं की, परिवार की, देश की चिंता करते हुए मास्क लगाएं। कोरोना का प्राथमिक उपचार ही मास्क ही है, तो सभी से ये निवेदन है मास्क लगाएं, प्रॉपर तरीके से लगाएं, और दूसरों को भी अवगत करवाएं कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो वो स्वयं भी खतरे में और अपने को खतरे में डालेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, और बहुत सारे सामने देखने को आता है कि लोग प्रॉपर वैसे मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या करते हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कोरोना महामारी का जो प्रकोप है, पहले भी एक साल पूरे ये चला जो फर्स्ट फेज में हुआ था, अब जब सेकेंड फेज इसकी आई है, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से आई है। और सबसे बड़ा अगर इसको रोकथाम का उपाय है तो वो है मास्क। किसी भी प्रकार की कोई भी दवा या किसी भी प्रकार का कोई भी यत्न आप कर लें, लेकिन आप कोरोना से बच नहीं सकते हैं। यदि आपने सही तरीके से मास्क लगाया, वो सही मास्क को लगाया और सही उसका उपयोग किया, तो आप श्योर कोरोना से बच सकते हैं। विशेष तौर से मैं उन लोगों से इस मास्क के लिए अपील करना चाहूँगा जो गली मोहल्लों में रहते हैं। गली मोहल्लों में अक्सर ये देखा गया है कि लोग मास्क पहने बिना बाहर आ जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, दूध वाले से बात करते हैं, पास पड़ोसी से बात करते हैं। विशेष तौर से मैं उन लोगों से बात कहना चाहता हूं कि वो जब भी घर से निकलें मास्क जरूर पहने, मास्क ही इसका सबसे बड़ा उपचार है और आप कोरोना से बच सकते हैं। यदि आपने मास्क नहीं पहना तो आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने पास पड़ोसियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही कहना चाहता हूं कि मास्क पहने और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं उस कोरोना महामारी से, अब जल्द से जल्द हम निजात पाएं, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल, मास्क अभी भी जब सेकंड वेव चल रही फिर भी बहुत सारे लोग मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं, क्या नेशनल साहब सही कह रहे हैं कि जिस तरह से एक साल से देश के प्रधानमंत्री और सारे लोग, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है कि मास्क अगर लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, लेकिन मैं प्रशासन से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दिहाड़ी मजदूर, सब्जी बेचने वाले, जितने भी फ्रूट्स बेचने वाले आज भी मास्क नहीं लगा रहे, निश्चित रूप से इन पर कंट्रोल करना चाहिए, और जब तक नहीं करेंगे ये दूसरे लोगों को भी बीमार करेंगे। और रहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ इस दूसरी वेव से समझे हैं, पहले वो भी लापरवाही कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से अभी वो लोग समझे हैं, अच्छी तरह से मास्क लगाए, नाक को ढक के लगाए, बाहर जाए तो दूर मास्क लगा के ही निकले, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाए। धन्यवाद। अभी भी लोग मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं जबकि इतने बड़ी संक्रमण फैल रहा है, क्या? देखो, मास्क नहीं लगाएंगे तो अपने आप को खो रहे हैं अपन, और मास्क लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मास्क लगाएंगे तभी अपन बच पाएंगे, बाकी कोई चांस नहीं है बचने का। बिल्कुल, तो हमने भीलवाड़ा के लोगों से जाना है कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, और वास्तव में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आदमी जो अभी भी मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण फैलाने में मास्क ही रोकने में मास्क ही बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि मास्क के बाद में सैनिटाइज और सैनिटाइज के बाद में 2 गज की दूरी से ही, ये 2-3 जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन तय कर रही इसके माध्यम से ही हम कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आमजन से, दर्शकों से अपील करते हैं कि मास्क लगाएं, प्रॉपर तरीके से लगाएं, ताकि जो कोरोना के संक्रमण की चेन है इसको तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली। बिजोलिया में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक ठाकड़ की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय, चिकित्सालय, पुलिस थाना, पंचायत समिति व टोल प्लाजा पर कोविड की रोकथाम के लिए आवश्यक सामग्री भेंट की। वहीं इस अवसर पर बिजोलिया उपखंड क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस व एक मोबिलिटी वैन भी बिजोलिया प्रशासन को सौंपी गई, जो कोरोना मरीजों को लाने ले जाने का काम करेगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक ठाकर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन से शिक्षा लेकर उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया है। बिजोलिया क्षेत्र के मीडिया कर्मियों, तहसील कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस थाना, पंचायत समिति व आरोली टोल प्लाजा के कार्मिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व एलोपैथी की दवाइयों के साथ ही मास्क दिए गए। कोरोना के मरीजों के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से बिजोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक एम्बुलेंस में मरीजों के लिए कंबल भेंट किए गए। इस दौरान कस्बा निवासी भामाशाह यशवंत पुंगलिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के पास वाहनों की कमी के मद्देनजर अपनी एक निजी वैन, जब तक कोरोना का संक्रमण रहेगा तब तक के लिए महामारी की रोकथाम के लिए उपयोग हेतु भेंट स्वरूप दी। पुंगलिया की इस पहल का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ठाकर के साथ कुंवर सौभाग्य सिंह, मानलगढ़ के
पुलिस उपाधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, बिजोलिया प्रधान आशा कुमारी भील, तहसीलदार शैतान सिंह यादव, थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह, विकास अधिकारी प्रभुलाल धाकड़, जिला परिषद सदस्य अंकित तिवारी, डॉक्टर अंसार खान, डॉक्टर मनीष सक्सेना, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनिल शर्मा, विक्रम सोनी, राहुल सेठिया, रोहित सेठिया, मन्नालाल धाकड़ के साथ ही बिजोलिया पत्रकार संघ के सभी सदस्य मौजूद थे। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बीच में अपने सामाजिक और अन्य सरोकार निभाते हुए आज के इस दिवस पर आज हमने यहाँ बिजोलिया पंचायत समिति में सभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सभी जो डिपार्टमेंट हैं काम कर रहे हैं, उनके लिए थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर और अन्य जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो अरेंज करें हैं, कोऑर्डिनेट करें हैं। सबने अपना अपना योगदान दिया, किसी एक व्यक्ति का नहीं होकर पूरे सभी लोगों ने इसमें अपने अपने योगदान के मार्फत इनको लोगों को सहयोग के रूप में इस महामारी से बचाव के लिए एक हमने आई। बागरिया समाज के दो जिलों के लोगों के बीच शुक्रवार को बल्ला चौराहे क्षेत्र में आयोजित पंचायत के दौरान कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों में डंडे, पत्थर व लात घुसे चले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को खदेड़ दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों ने कोई रिपोर्ट देने व कार्रवाई चाहने से मना कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बागरिया समाज के चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा के कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर बल्ला चौराहे क्षेत्र में पंचायत चल रही थी। इसी दौरान एक पक्ष के लोगों द्वारा काली गलोच करने के बाद माहौल गर्मा गया। दोनों पक्षों के बीच डंडे व पत्थर चले। झगड़े में महिलाएं व पुरुष शामिल थे। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। झगड़े की सूचना पर कोतवाली थाने से दो पुलिस वाहन मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सामने ही इनके बीच दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर और डंडे फेंकते रहे। बाद में पुलिस ने इन लोगों को खदेड़ कर अलग कर दिया। उधर मौके पर पहुंचे दीवान हनुमान राम का कहना है कि दोनों पक्ष के लोगों ने पुलिस कार्रवाई चाहने और रिपोर्ट देने से मना कर दिया। चित्तौड़गढ़ के लोग वहां से चले गए। ऐसे में कोई मामला इस घटना को लेकर दर्ज नहीं हुआ है। प्रख्यात पर्यावरणविद व चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा के कोरोना से निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने गहरा दुख प्रकट किया। चाचू ने बताया कि समूचा जीवन जंगलों को बचाने के लिए लगाने वाले बहुगुणा ने 70 के दशक में पर्यावरण सुरक्षा अभियान चलाया, जिसने पूरे देश में व्यापक असर छोड़ा। गढ़वाल हिमालय में पेड़ों की कटाई के विरोध में बहुगुणा ने आंदोलन चलाया, जिसमें स्थानीय महिलाएं पेड़ों के लिपट कर खड़ी हो गई, जिसे दुनिया ने चिपको आंदोलन का नाम दिया। गंगा संरक्षण के लिए गोमुख से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा निकालने वाले, जंगलों की कटाई का पुरजोर विरोध करने वाले वे टिहरी बांध बनाने का विरोध करने वाले बहुगुणा की जंगल बचाओ नीति पर अमल किया जाता तो उत्तराखंड त्रासदी को टाला जा सकता था। वहीं जंगल बचाओ नीति की सफलता से कोरोना महामारी के समय में कृत्रिम प्राणवायु के लिए लोगों को दर दर भी नहीं भटकना पड़ता। जाजू ने अपील करते हुए कहा कि हम सभी को बहुगुणा की जंगल बचाओ की बात से प्रेरणा लेकर अधिक प्राणवायु देने वाले लंबी उम्र के पौधे लगाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। प्रख्यात पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा का निधन आज कोरोना महामारी के चलते ऋषिकेश में हो गया है, जो हमारे सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाने वाले, जिन्होंने अपना व्यापक असर पूरे देश में छोड़ा, 1981 में जंगलों की कटाई पर रोक लगाने के लिए उन्होंने स्थानीय महिलाओं को जोड़कर चिपको आंदोलन की शुरुआत की, और बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के प्रेरणाता के रूप में भी आज पूरे दुनिया में विख्यात है। आज उनका निधन हमारे सबके लिए अपूर्ण क्षति तो है ही, लेकिन आज जहां कोरोना महामारी के चलते कृत्रिम प्राणवायु के लिए आदमी पैसे देते हुए दर दर की ठोकरें खा रहा है और प्राणवायु नहीं मिल पा रही है, उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए और वास्तविक प्राणवायु के लिए अपना जीवन लगा दिया। हम आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि खूब बड़ी मात्रा में अधिक उम्र वाले पौधे लगाकर पेड़ बनाए। कोली समाज विकास ट्रस्ट भिलवाड़ा के तत्वावधान में कोरोना महामारी को जड़मूल से खत्म करने की प्रार्थना के लिए कोली समाज द्वारा जोगनिया माता कुमाड़ा रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर 108 आहुतियों के साथ हवन किया गया। सचिव मुरलीधर लोड़वाड़िया ने बताया कि कार्यक्रम में सरकार के गाइडलाइन की पालना करने हेतु हवन में 5 सदस्यों सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर हवन में 108 आहुतियां दी। बाकी सदस्यों को वीडियो वर्चुअल के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित की, फेसबुक पर लाइव किया गया।
माँ जोगणिया सदियों पुराना स्थल होने के साथ चमत्कारी स्थान भी माना जाता है। कहा जाता है कि कोली समाज के पंचों द्वारा माँ जोगणिया लाडपुरा से खाल में से जलती हुई जोत लाकर कुमाड़ा रोड पर मंगरी चट्टान पर ही पत्थरों पर माली पन्ना सिंदूर लगाकर आंख श्रृंगार करके जमीन से निकलने वाले पत्थर पर ही माता की आकृति बनाई, जिसकी पूजा अर्चना कोली समाज द्वारा बरसों से की जाती आ रही है। इस दौरान वछापरिया परिवार द्वारा भव्य मंदिर बरामदा और गर्भगृह का निर्माण करवाकर समाज को समर्पित किया, जिसका उद्घाटन महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरिशेवा सनातन मंदिर ने 21 फीट ऊंचे त्रिशूल खाड़कर 9 जुलाई 2019 को किया था। कार्यक्रम का समापन राजेश कसोडिया पोपा द्वारा महाआरती एवं चावल एवं ऋतु फल का भोग लगाकर की गई एवं प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में समाज के संरक्षक बाबूलाल बछाप्रिया, ओम प्रकाश सुनारिया, मोहनलाल रुबासिया, सेवंतीलाल महेंद्र गेंडामार, सुनील आमेरिया, मोतीलाल सोनू, बाबूलाल खंडवाल, राकेश कसोडिया, गणेश लोरवाड़िया, कमलेश मयंक, गिरिराज, दीपक खोरवाल आदि उपस्थित थे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के आदेशानुसार महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस रेखा हिरण के नेतृत्व में कोविड महामारी के गंभीर संकट के समय महात्मा गांधी अस्पताल MCH में गायनिक वार्ड एवं बच्चों के वार्ड में खाद्य सामग्री, बिस्किट के पैकेट एवं मास्क वितरण किए गए। इसमें जवाहर फाउंडेशन के सदस्य मोहम्मद हारून रंगरेज, मुकेश खोयवाल, विजय लक्ष्मी शर्मा, यशोदा, कार्यकर्ता शकुंतला, आशा शर्मा शामिल थे। कोरोना से बचना है तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होगी, इसी बात को मद्देनजर विभिन्न कच्ची बस्तियों में भाजपा द्वारा काढ़ा वितरण किया गया। भाजपा जिला संगठन के सेवा ही संगठन के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली ने बताया कि कच्ची बस्तियों में काढ़ा पीने की होड़ लगी है। काढ़ा पीने में लोगों ने विशेष उत्साह बताया। जिला मंत्री मंजू पालीवाल के नेतृत्व में कोरोना महामारी को देखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कच्ची बस्ती में काढ़े का वितरण किया जा रहा है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण में पंकज समदानी, निखिल भंडारी, कमल पालीवाल, नितेश मुद्रा, राकेश जैन, प्रीतम आचार्य, कैलाश खटीक, शिवजी बाल्दी, मोहित सोमानी, प्रवीण, हरीश चाजू भाजपा कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। चापुरा पुलिस उपाधीक्षक वृत्त चापुरा कार्यालय में शुक्रवार को उपाधीक्षक
प्रियंका कुमावत ने स्टाफ कार्मिकों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, परंतु इस बार कोविड की दूसरी लहर के कारण केवल कार्यालय में यह आयोजन कर पुलिस उपाधीक्षक ने सभी को शपथ दिलाई। पुलिस उपाधीक्षक सहित सभी कार्मिकों ने इस मौके पर यह शपथ ली कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं, निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और खतरा पहुंचाने वाले शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ पिलवाड़ा के सहयोग से शुक्रवार को सामुदायिक चिकित्सालय बिगोत मालीखेड़ा, खटवाड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा और बिगोत बेरवा बस्ती में ऑक्सीमीटर भेंट किया। साथ में भाजपा जिला आईटी सह संयोजक रामेश्वर लाल मुंद्रा, वार्ड पार्षद निर्मल वैष्णव, चंद्र प्रकाश जैन और ओम व्यास उपस्थित थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस फिलवाड़ा द्वारा जिला कारागृह में मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष मंजू पोखरना, पार्षद जितेंद्र दरियानी, अजहर खान, प्रवक्ता दुर्गेश पानेरी, ब्लॉक उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, महिला सेवा दल जिला अध्यक्ष पुष्पा मेहता सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे और इस अवसर पर नगर विकास न्यास में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भोजन वितरित किया गया एवं जिला पशु चिकित्सालय में चारा पशुओं खिलाया गया। इस अवसर पर मंजू पोखरना ने कहा कि इस समय मानव सेवा ही सर्वोपरि है। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक द्वारा भिलवाड़ा में जरूरतमंदों के लिए 1000 भोजन के पैकेट निजी कोष और भामाशाह के सहयोग द्वारा वितरित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। सभापति नगर परिषद ने बताया कि भिलवाड़ा में लॉकडाउन के कारण जरूरतमंदों को भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु स्वयं के निजी कोष और भामाशाह के सहयोग द्वारा 1000 भोजन के पैकेट नित्य लॉकडाउन तक वितरित किए जाएंगे, जिसमें सिख समुदाय गुरुद्वारा कमेटी का विशेष सहयोग रहा। यह सेवा लॉकडाउन तक अनवरत चालू रहेगी। भोजन वितरण के समय सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचार्य, मोहित पाठक, तरुण सोमानी, गुरप्रीत सिंह, प्रतीक सिंह, करण सिंह, अरुण चेचानी, प्रतीक बल्दवा और गुरुद्वारा कमेटी की समस्त टीम उपस्थित रही। शाहपुरा में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा तथा ACJM विनित कुमार की मौजूदगी में कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों, कार्मिकों व अधिवक्ताओं का कोविड वैक्सीन कैंप लगाया गया। इसमें कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज न्यायिक कर्मचारियों एवं अधिकारी, अधिवक्ता, पिटिशनर, राइटर, स्टाम्प वेंडर को लगाई गई। सैटेलाइट चिकित्सालय प्रभारी डॉ अशोक जैन ने वैक्सीनेशन प्रभारी डॉ अमित गुप्ता के निर्देशन में चले इस वैक्सीन कैंप में कुल 140 लोगों का टीकाकरण किया गया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।